जतनो दिन साल बेलैके इम्पोर्टेंट साल ते खा खाई जतनो तीप्रा हास्ते ने डोकरो काम करूँ तंगू मैं आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ सब ये अच्छी हूँ ठीक है बाबा गरिय का आशीर्वाद से जीशु क्रिस्त का आशीर्वाद से ये तीप्रा भूमि में तीप्रा माँ तीप्रसरी का आशीर्वाद से सभी अच्छी हूँ। तो आज मैं एक मीडिया में आ रही हूँ बहुत दिनों के बाद मीडिया में बहुत सवाल आ रही है। आज का दिन में पाताल जी की ओ घर हाजिर हुआ पाताल जी की ओ कुछ चुप रहा पाताल जी को ढूंढ के नहीं मिला जो नफरत का राजनीति कर रही है आज कहाँ खो गया। तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहाँ खो गया है सबका जवाब हर दिन में सुनना मांग रही हूँ मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ जतना खाका हम जा या फर ते हम जा गुण या फर। तो आज का विषय मूल मुद्दा हुआ ये है आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी के ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है पाताल जी के ऊपर जितना क्या है लोगों का कन्फ्यूशन जो सलारी है ये सब मैं क्लेरिफिकेशन देने के लिए आज मीडिया में आया। और मीडिया बंधु लोग भी बहुत मुझे फोन करके बार बार पूछा है मैडम आप क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में नहीं देख रही हो क्यों नहीं आपको मिल नहीं पा रही हो मीडिया में कुछ बोलना चाहिए ये सब हर दिन में मेरे पास 4-5 मीडिया का एक क्वेश्चन आती है। तो इसलिए मैं सोचा था आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ टिपरा पीपल का साथ सब साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तीन संगी ना आसगो तब कौे हाय लुकुर पाताल कन्ना तमने बगे आसगो तुखा ते लुकुर मियाफर अम्पिगो अनुखा प्रदुत किशोर अम्पिगो इलेक्शन कैम्पेन बगे जनसभा खाईखा फिबा सोशल मीडिया भाईराल नुखा गबा सोशल मीडिया आंबो मूसालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के गबा से सोशल मीडिया भाईराल खे नुखा आं जे पाताल कन्ना प्रदुन्नत नफरत राजनीति खाई दिन बिहान थका नाइटू नुकते लिया अब जवाब न खाग लुकुर खातों थोजाई सूंखा तंगी प्रदुत बीजेपी फायमानी उलब तंगी पाताल कन्ना पार्सनल एटेक खाइना नांगो आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास प्रदुत बीजेपी में आकर टिकट लिया बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहाँ का राजनीति ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है पर्सनल अटैक है तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति प्रदुत का ब्रोकर राजनीति प्रदुत जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति का जाति को डिवाइड एंड रोल व्यक्ति व्यक्ति को डिवाइड एंड रोल पार्टी पार्टी को डिवाइड एंड रोल इनका मकसद ही ऐसा है नफरत किसने फैला रही है ये त्रिपुरा मिट्टी में त्रिपुरा भूमि में राजनीतिक हिसाब से अपना अपना पार्टी का एजेंडा को लेकर हाँ चैलेंज करता हूँ एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति का जाति डिवाइड करते हो जमातिया रियांग देवबर्मा कोलोइन और व्यक्ति को व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्ति के अंदर में लड़ाई करते हो बंगाली का पास जाकर कहती है बंगाली को होताना वाला पाताल कन्ना बीजेपी में भेद रहा और फिर त्रिपुरा में जाकर कहती हो मैं त्रिपुरा के लिए काम करूंगा पुला जाति वो पार्टी। तो इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रदुत को आज चैलेंज करती हूँ प्रदुत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सवाल भी रखती हूँ बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौतों की बात पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक के सामने में प्रदुत को एक ही बात सुन रही हूँ जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया है ना जाति का जाति व्यक्ति का व्यक्ति पार्टी का अंडर जनजाति जाति सब का बीच में जितना तुम नफरत खेल रही हो ये नफरत का
क्षमा अगर नहीं मांगे, तिप्रासा के पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया तिप्रासा का तिप्रासा को और डिवाइडेड लोन नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको किसको और अटैक करना बाकी रहेगा, उसका नतों की तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा, राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबारी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति टीप्रासा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है, पहले से पाताल करना का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, संक्रांत किया। आज ये संक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए, हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बड़ा ग्रहण खूब नई की व्याख्या हामिया सिद्रा सैताल बुखुक हामिया तो बुखुक पेरो खा सिरी बरफ कथार खा कसों टीप्रासा बरफ रग्न हामिया सुनाम खा आशा क्या हामिया सुना खा जेबो सिरी बरफ रंगनी बुसलाई कसक उठा खा बुरी रंग फ्रम खा रंग रगो हामिया साया हिन्नानी बुखुक सिद्रा सिद्रा पेरो नानी आम रग सब निभा गई खा प्रदुर निभा गई प्रदुर फाया कसा कान सिरी दफा पाई थे वालाई वालाया सिन दफा पाई थे निनी ताइकल हाई आनी ताइकल हाई वालाई वालाया কিন্তু প্রদুর ফাইমানি করেই সঙ্গ মাওয়া লাইখা আপনি বাগাই ও দফা বাই দফা কথা লাই তোমার মুসুখে দফা বাই দফা ওয়ালাই একে তোমার মুসুখে কাইসে নি অঙ্কল কাইসে নাঙ্গ ইসে আপন প্রপান দফা নো ডিভাইড এন্ড রুল খাইয়া নি মুসুখে আং খাংকে প্রদুর নি দালালি ন সঙ্গ তাবক জবাব রোয়ানি জরা আং ক্লাসি মা সঙ্গ সঙ্গ জাগ গণতন্ত্র নি যুগ রাজতন্ত্র রাজ পরিবার ন রেসপেক্ট রোমানিকা গণতন্ত্র নি অপমান জবাব মার নাই প্রদর জবাব মারো নাই ব জনতা জনজাতি নি আন্ধার নিজে বাই নিজে ডিভাইড এন্ড রুল খাই গই আসে যে বরকন ব বিভ্রান্ত খাই তো মানি তেই জনজাতি বরক রগ্ন তো ইব আসে খাই গই বই নি সংসারি পুস্তক সুগ গ্যা সায়া হামিয়া সিত্রা ফুনুক মানি আপনি জবাব রজাক নাই জরা আপনি বাগাই যত তাকু বুকু রুনাং কবগু অতি প্রহাসং যত কথালাই ফেমেনি সাউ সায়া জুক জরাগ যতনে থানসা কে সঙ্গ তং ফাইমানি কিন্তু প্রদত থানসা নিব মতই বুমকে থানসা এ আঙ্কানে বিশিং বিশিং আঙ্কে আঙ্কে সকাকসা সকাকসা সাবন সকাকা নিরং নুখা আগে কোনো দিন সিনি দা রঞ্জিত সংগ্রহ কোনো দিন জমাতিয়া দে বর্মানি কক্সয়া কিন্তু তিনি তিপ্রাম থাকি মাস সাবনি কারণে প্রদতনি কারণে তিনি প্রশ্মী ছং সরাই 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 কাহা কাহা রক তিনি বুকুক সিদ্রা তৈ আন্দোলন মা খাইকে সাবনি কারণে প্রদতনি কারণে কে বোধে মুসুক নিজে লাইফ নামিয়া সিদ্রা শৈতান গুন্ডা মস্তানি বদমাসিঙ্গানি কে বোধে মুসুক কে বোধে সানা সামনানি কিন্তু প্রদুরনি কারণে মাংখা আমি তো যত সিনি সাই রক সিবাই থা আপনি বাগানে প্রদুর সাবরম্রং সঙ্গে তো খ যে পাতাল কেনা নফরাত রাজনীতি খাই নফরাত রাজনীতি সাব খাই প্রদুর তংসা অতি প্রহা নফরাত তং নাই আপনি বাগে নফরাত না সঙ্গ হতাও খাইনাই কাকে প্রদুর না সিপিলা হতাও মা খাইনাই আপনি বাগে প্রদুর নিজে নফরাত রাজনীতি বটে ওয়াইসে ইলিগেশন রইতো কো বইনা নফরা দাসন দেখাই হনে আবনি আং স্ট্রং কন্ডেম খাইগ আবনি ক্ষমা যদি সৈন্যাং কাংকে নিনি এক ইনসি ফা সাপোর্ট খাইজে নহি ইমাং সাতা নুকি আবনি বাগে তিনি নি অপ্রেস মিট আবনি বাগে বিজেপি নি রাংসা গই বিজেপি নি টিকেট না গই বিজেপি না তে ওয়াইসে হামিয়া হনাই বিজেপি আসে বুকায়া আরে বিজেপি সাবধান বিজেপি সাবধান বিজেপি মে আকর বিজেপি কো লোড দে কে লে আইয়া প্রদু বিজেপি কো দালালি করবে কে লে আইয়া इनको सावधानी से चलना में मेरा बीजेपी कार्यकर्ता लोग को भी मैं अपील करता हूँ क्योंकि ये लूटने के लिए आया बीजेपी को प्रेम कर से प्रेम करके नहीं आया बीजेपी को सम्मान करना नहीं जा अभी भी नहीं पता लोगों को सम्मान करना अभी भी नहीं पता जिसके पास सम्मान नहीं है जिसका पास ऑनेस्टी नहीं है इनको अगर हम लोग पावर दें तो और भी वो घोटाला और लूटने के लिए वो मौका मिलेगा तो मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मैं मेरा बीजेपी पार्टी को सुरक्षा देना मेरा जिम्मेदारी है जब तक मैं बीजेपी हो गोताला को मैं सपोर्ट नहीं करेगा गोताला का एंट्री करने के लिए मैं कभी भी एक इंच भी सपोर्ट नहीं करेगा ये मेरा सीधा राय है तो इसलिए मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ही वो पर्सनल अटैक कर सकती है मेरा बीजेपी के ऊपर वो क्या करेगा
तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो मेरा बीजेपी को सेफ सिक्योरिटी देना। और ये घोटाला बस अगर बीजेपी में आकर घुस गया तो वो घोटाला बस और भी करेगा, डिवाइड एंड रूल और भी करेगा, त्रिपुरा कभी भी शांत नहीं होगा। तो मैं ये अपील करता हूँ, सावधान त्रिपुरा लू। थैंक यू। और कुछ आप लोग पूछना चाहते तो पूछना। लेके आपका जो पार्टी का प्रेसिडेंट है उसके साथ बातचीत किया क्या? नहीं, मैं मेरा पर्सनल अटैक किया उन्होंने, मैंने सब इन्फॉर्मेशन किया पार्टी में, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, इसको मैंने जवाब देना चाहिए। नहीं, बीजेपी में तो घुस के वो अभी उसका बेहन बीजेपी इनको दे रही है सुधरने के लिए, बीजेपी दे रही है इनको डेवलपमेंट करने के लिए, बीजेपी को अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी दिखा रही है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रदुत बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया, ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए आया, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सेफगार्ड करना, ऐसा घोटाला बास को मैं बीजेपी रहने आता हूँ, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। বাকি কি হবে সেন্ট্রাল দেখবে, কিন্তু আমার দায়িত্ব এখনই, এক ঘন্টা আগে পেয়েছি আমি, কালকে যে বলছে এক ঘন্টা আগে পেয়েছে, আর কত কিনা বলছে ও জানা, এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর ও জানাতে তার কি যে বক্তব্য করছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো ও যদি প্রকাশ্যে সভাতে এরকম করতে পারে তাহলে ও প্রকাশ্যে কি করছে সেটা তো পরিষ্কার। যে ক্যান্ডিডেট এখন পূর্বতিপুরায় লড়াই করছে, ইয়েস, আপনি কি মনে করেন যে জনতা, এটা তো প্রদত এজেন্ট, প্রদত এজেন্ট দালালি এজেন্ট, তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে কি আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না? আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মুখ মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি ভাববো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি, আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি, যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি। ম্যাডাম সিনা সিনাবা কমমা বরং নি কক্সিল জামু যেটা দিস ইলেকশন ক্যাম্পিং গো লোকসভা ইলেকশন ক্যাম্পিং গো দুদা খাই নম ক্যাম্পিং গো অংখন মানে নুলিয়া নংতাং গে অংখরিয়া অসমুনি ফিরম কিছা দুকা মাম আপনা না তাও সাইতে গো ত্রিপুরা মথা বিজেপি ও ফাইকা বরং নি সেহারা পদে পালতো কি নাই মানে পালতো কিয়া বরং ত্রিপুরা মথ বিজেপি ফাই মানে পরেব ত্রিপুরা মথ বিজেপি বুলাই দং তামনি বুলাই হমালে বিজেপি নি বিজেপি নি পার্টি মিটিং খাই মেসরা না ত্রিপুরা মথ নি অদার লাইসি মা খাই নাই ফুল আগে সেনে বিজেপির দুঃখ নাঞ্জকে চাও লাগে ম্যাডাম হাই 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 আঁকা বড় শুদ্র শুদ্র বুঝে ফাইকে আমার শুদ্র গিয়া স্রেফ গোটালা বাস লাভালি বিনি বাঙে জি ফাইকে এখন এলায়েন্স ফাইকে আগে কাহাম কক যত ফাইদি আমি সাইকে বলো ওয়েলকাম খাইকা বলে এলায়েন্স খাইফর আমি ওয়েলকাম দেখাই খাই আসলে ক্রিটিসিমা থেকে ডফর বা ওয়েলকাম খাইকা সতীশ গণে তুই ফাইরা ফাইকা তবু ওয়েলকাম খাইকা কিন্তু ওয়েলকাম খাইকা মানে বড় বুঝলে বুঝিয়া বেলু বুঝিয়া উল্টা পাতাল কিনে আসে এটা খালাই তো বিশিং বিশিং থাং সালাই পাতাল কিনে আনি এগেনস্ট প্রকাশ্য সভা সব পাতাল কিনে আনি এগেনস্ট তাহলে বা পাতাল কিনে আনি পাতাল কিনে আনি এগেনস্ট পাতাল কিনে আনি কাউন্টার খাইনে বাগাইনে বড় বিজেপি হাফায় প্রশ্ন কে তবু বিজেপি পাইখা বিজেপি না আদর্শ মানে বিজেপি আদর্শ মানে আঙ্কা বিজেপি গন গোটালা খাইনি পাইখা কে বিজেপি বড় নন শিনি তবু সুমু কো অমসে ম্যাডাম নংতাং এ লোকসভা নি ক্যাম্পিং রব অংখরিয়া অম তং কুসং লোকরন সুমু আবন সাগ আং জলবি অংখিয়া হে জলে মানিয়া আং প্রদুত ন দালালি হিসাই মানে দালালি বাস রাজনীতি ন আং দালালি নেতা ন আং সাপোর্ট খাই বাস বুসু জতি খাগামান ম্যাডাম যে মহারানী কীর্তি সিং দে বর্মা বিজেপি নে অঙ্গে বাতায়ে কপ্লাইং ফাইমান হনে নং খ আবা লোক জবাব রনাই আং সাইয়া লোক জবাব রনাই লোক যত সাই মানে ওকে দেখি আমি শুনতে নাই হাম বাই